Hello everyone, my name is Sharad Chitlangia. I am the faculty of BSc Academy Jamshedpur. पिछली बार मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया था परम्यूटेशन के ऊपर. आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो लेकर के आया हूँ कॉम्बिनेशन के ऊपर. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, सेलेक्शन. अब मान लीजिए आप एक दुकान गए, आपको दो शर्ट लेना है. दुकानदार ने आपको 15 शर्ट दिखाया, लेना आपको दो ही है. तो अब सवाल यह उठता है कि उस 15 शर्ट में से आप दो शर्ट कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी को क्या बोला जाता है, सेलेक्शन. तो इसका एक तरीका है, क्या? NCR. N माने हो गया टोटल ऑब्जर्वेशन, अपना केस में 15 शर्ट. R मतलब हो गया जितना आपको सेलेक्ट करना है, अपना केस में हो गया दो शर्ट. और सी माने हो गया कॉम्बिनेशन, माने सेलेक्ट करना. मतलब 15 चीज में से दो चीज आप कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इसका एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है? क्लियर है? अभी मान लीजिए एक अभी IPL मैच चल रहा है, टोटल 8 टीमें हैं, 8 टीम्स. अब सवाल उठता है कि आठों टीम सबसे मैच खेलेगी, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, KKR सब अपने से मैच खेलेगी. तो सवाल ये उठता है कि टोटल मैचेस कितने होंगे आपस में. भैया टोटल टीम हो गई 8. एक मैच खेलने के लिए दो टीम का सिलेक्शन करना पड़ता है कि नहीं. तो टोटल मैचेस कितने होंगे, 8C2. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए. 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया 2, 4 जा 8, 28 मैचेज होंगे आपस में. टोटल मैचेस 28 होंगे, ठीक है? बात समझ में आया, क्लियर है? अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि 10 पीपल आर इनवाइटेड फॉर ए पार्टी. 10 लोग पार्टी में आए, एक दूसरे से हाथ मिलाए, ठीक है भाई? बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं ना. तो 10 लोग आए उस पार्टी में, सब एक दूसरे से हाथ मिलाए. अब सवाल ये उठता है कि उस पार्टी में टोटल हैंडशेक कितना हुआ, उस पार्टी में टोटल हैंडशेक कितना हुआ. सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे तो भैया टोटल हैंडशेक कितना होगा. कोई बोलता है सर 10 आदमी है, दो सब एक दूसरे से मिलाएंगे तो 20 हैंडशेक होगा. गलत है ये. यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन लगेगा. क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर भी आपको हाथ मिलाने के लिए आदमी का सिलेक्शन करना है, ठीक है? तो फॉर्मूला वही लगेगा. तो n इक्वल टू अपना केस में कितना हो जाएगा, 10 पीपल, और एक हाथ मिलाने के लिए, एक हैंडशेक करने के लिए दो आदमी का जरूरत होता है. तो r इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है? तो टोटल कितना होगा, 10C2. 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया 2, 5 जा 10, बोले तो 45, ठीक है? मतलब टोटल हैंडशेक कितने होंगे, 45 होंगे, क्लियर है? मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं. क्या उठाते हैं, एक कमिटी है, एक 8 पीपल, 8 मेन है और 7 विमेन है. 8 मेन है एंड 7 विमेन है. आपको एक कमेटी बनाना है 4 लोगों का. कमेटी कितना का बनाना है, 4 लोगों का कमेटी बनाना है. उस कमेटी में क्या कहना है कि भाई उस कमेटी में 2 मेन होंगे और 2 विमेन होनी चाहिए. आपके पास टोटल मेन कितने हैं, 8. तो 8 में से कितने लोग को आपको लेना है मेन को, 2. तो 8C2 हो जाएगा,
और वीमेन कितने हैं? सात. कितने लेने हैं? दो. तो क्या हो जाएगा? सेवन से टू. सर आप इनटू क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए? क्योंकि कमिटी बनाने के लिए मेरे को इसका भी ज़रूरत है एंड इसका भी ज़रूरत है, तब जा कर के चार लोग बनेंगे. तो एंड का मतलब पिछला क्लास में मैंने बताया था, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है. तो अगर आप इस फार्मूला को सेट करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 8C2 is 28, 7C2 is 21, 8560, ये कितना हो जाएगा? 588 हो जाएगा. ठीक है ना, बात समझ में आया? ठीक है. मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं. मान लीजिए आपके 6 फ्रेंड्स हैं. टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? 6. आप कितने तरीका से एक या एक से ज़्यादा लोग को इनवाइट कर सकते हैं अपने बर्थडे पार्टी में? एक या एक से ज़्यादा लोगों को आप कितना तरीका से इनवाइट कर सकते हैं अपने बर्थडे पार्टी में? ठीक है. तो आप बोलेंगे सर हम एक, 6 में से एक को भी बुला सकते हैं, या फिर 6 में से दो को भी बुला सकते हैं, या फिर 6 में से 3 को भी बुला सकते हैं, या फिर 6 में से 4 को भी बुला सकते हैं, या फिर 6 में से 5 को भी बुला सकते हैं, और 6 में से 6 को भी बुला सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप फार्मूला लगाओगे NCR वाला, तो 6C1 6 होगा, 6C2 15 होगा, 6C3 20 होगा, 6C4 15 होगा, ये 6 होगा और ये 1 होगा, ये टोटल हो जाएगा 50 63. तो ये तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया. तो इसका एक, इसके लिए क्या है, एक रूल और होता है कॉम्बिनेशन में, कि अगर आप NC0 से जोड़ना स्टार्ट करो और NCN तक जोड़ोगे तो इसका आपको सॉल्व करके आंसर निकालने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक 2 का पावर n होता है. NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 अप टू NCN, ये टोटल जोड़ करके कितना होगा? 2 का पावर n होगा. और एक बात और बता दें साहब, कि NC0 का वैल्यू 1 होता है और NCN का वैल्यू भी 1 होता है. एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में 6C0 से अगर ये स्टार्ट होता और 6C6 तक जाता तो इसका आंसर कितना होता? 2 का पावर 6 होता. ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? 6C1 से स्टार्ट हुआ. मतलब इसमें खाली क्या नहीं है? 6C0 नहीं है. अगर 6C0 नहीं है मतलब 1 नहीं है, क्योंकि NC0 का वैल्यू 1 होता है और 6C0 का वैल्यू भी 1 होगा. मतलब अगर 6C0 नहीं है तो 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब 1 माइनस कर दीजिए, मतलब कितना हो गया? 64 माइनस 1 बोले तो 63. आप इसको इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं. देयर आर 3 डिफेक्टिव बल्ब्स एंड 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स. 3 डिफेक्टिव बल्ब है और 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, मतलब 3 खराब बल्ब है और 2 अच्छा बल्ब है. एक रूम में 2 होल्डर है, देयर आर 2 होल्डर्स इन ए रूम. अब मेरा एक सवाल है कि इस रूम में रोशनी कितना तरीका से आ सकता है, इस रूम में रोशनी कितना तरीका से आप ला सकते हो. ठीक है, पहले तो ये बताओ कि टोटल बल्ब कितने हैं? 5. टोटल बल्ब कितने हैं? 5 है. और आपके पास होल्डर कितने हैं? 2 हैं. तो पहले तो ये बात बताइए कि उस 5 बल्ब को 2 होल्डर में कितना तरीका से लगा सकते हैं? सर 5C2 10 हो गया, ये टोटल वेज हो गया बल्ब लगाने का इस 2 होल्डर में.
अब हमको एक बात बताइए कि अगर आप इसमें खराब बल्ब लगा दीजिएगा तो रोशनी आएगा नहीं, मतलब खराब बल्ब लगाने का तरीका कितना है इस दो होल्डर में, 3C2, क्यों? क्योंकि मेरे पास तीन डिफेक्टिव है और अब 3C2 आप सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। तो साहब 10 तरीका हुआ टोटल बल्ब लगाने का और तीन तरीका वैसा तरीका हो गया जिसमें रोशनी नहीं आएगा, तो रोशनी आने का तरीका कितना होगा? 10 - 3 बोले तो 7। ठीक है, क्लियर है, पक्का? अब क्या है, एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं। देखिए साहब, कॉम्बिनेशन बहुत आसान टॉपिक है, बस इसमें समझने का देर है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं कि मान लीजिए देर आर 6 पैरेलल लाइंस, 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस है जिसको कि 4 वर्टिकल पैरेलल लाइंस काट देता है ऐसे, तो बताइए साहब टोटल पैरेललोग्राम कितने बनेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, तो बहुत लोग काउंट करने बैठता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करोगे साहब तो कभी करेक्ट आंसर नहीं आएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ दो बार छूट जाएगा। इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि इफ एन पैरेलल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस आर कट बाय एन वर्टिकल पैरेलल लाइंस देन टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है MC2 × NC2, वेयर एम डिनोट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस एंड एन डिनोट नंबर ऑफ वर्टिकल पैरेलल लाइंस। तो अपने केस में कितना वर्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6C2। और अपना केस में कितना वर्टिकल है? 1, 2, 3, 4, 4C2। 6C2 सॉल्व कीजिएगा 15 आएगा, 6C2 सॉल्व कीजिएगा 6 आएगा, टोटल 90 पैरेललोग्राम्स बनेंगे सर, टोटल 90 पैरेललोग्राम्स बनेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कमिटी, एक 8 विमेन है, 8 जेंटलमैन है एंड 7 विमेन है, कमिटी बनाना है 6 लोगों का, कमिटी बनाना है 6 लोगों का जिसमें 3 जेंटलमैन होने चाहिए और 3 विमेन होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त है कि भाई रचना बोली कि हम उस कमेटी में नहीं रहेंगे जिसमें संदीप मेंबर होगा, रचना बोली हम उस कमेटी में नहीं रहेंगे जिसमें संदीप मेंबर होगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि देर आर 8 जेंटलमैन एंड 7 विमेन एंड अ कमेटी ऑफ 6 इज टू बी फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज 3 विमेन, कंडीशन इज कि रचना रिफ्यूजेज टू सर्व इन ए कमिटी इफ संदीप इज द मेंबर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लग गया कि रचना बोली हम उस कमिटी में नहीं रहेंगे जिसमें संदीप मेंबर होगा। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि रचना इज द मेंबर, रचना बोली हम रहेंगे, मान लेते हैं केस 1 रचना इज द मेंबर।
मान लेते हैं रचना मेंबर है, अगर रचना मेंबर है तो रचना को साइड ले आइए, 1C1 मतलब रचना टीम में आ गई। अब विमेन हमको कितना लेना है, 3, 3 में से एक रचना आ गई, बाकी बचे 2, तो अब इसमें से कितने विमेन बच गई, 6 विमेन बच गई क्योंकि रचना तो आ चुकी है, तो अभी 6 में से 2 ले लेंगे। अच्छा, अब चूंकि रचना मेंबर है तो संदीप जी को बाहर जाना पड़ेगा, तो संदीप जी बाहर चले गए, मतलब अब कितने बच गए, 7 जेंटलमैन, क्योंकि 8 थे ना, तो संदीप जी तो बाहर चले गए, तो 7 में से अब मेरे को 3 लेना होगा, 7C3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 15 × 35, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 7 × 52, 525। केस 2 एक और हो सकता है, व्हेन संदीप इज द मेंबर, संदीप बोला हम तो टीम में रहेंगे चाहे जो हो जाए, देखा जाए, हमको मतलब नहीं, हम तो टीम में रहेंगे, संदीप इज द मेंबर, तो भाई ठीक है संदीप बाबू आप आइए पहले, 1C1। अब संदीप बाबू आ गए तो एक मेन आ गए, हमको मेन चाहिए 3, तो एक तो यहाँ से आ गए, 8 में से एक संदीप बाबू आ गए, बचे 7, 7 में से 2 को ले लीजिए, तो टोटल 3 मेन हो गए। अब क्योंकि संदीप जी आ गए हैं टीम में, तो रचना जी बोली हम तो नहीं रहेंगे, हम तो चले, तो रचना जी गई मैंने 7 में से एक गई, तो 6C3, ये कितने हो गए, 1 × 20 × 20, बोले तो 420। अच्छा, एक केस इसमें और बन सकता है जो कि लोग ध्यान नहीं देता है, लोग यही खाली ध्यान देता है, यही 2 केस पे आंसर निकाल देते हैं, एक तीसरा केस और बन सकता है। देखो सब, हमको कमेटी बनाना है 6 लोगों का, हमको कमेटी बनाना है 6 लोगों का। तीसरा केस एक और बन सकता है, व्हेन बोथ आर नॉट द मेंबर, मतलब दोनों रिफ्यूज कर दिया कि भैया ना तो संदीप जी रहेंगे टीम में, ना तो रचना जी रहेगी, तो भी तो कमेटी बन सकता है कि नहीं, तो क्या होगा, अब संदीप जी भी गए और रचना जी भी गई, तो कितना होगा, 7C3 × 6C3, सॉल्व कीजिएगा, 35 × 20, बोले तो 700, तो टोटल वेज कितने हो गए बताओ, टोटल वेज कितने हो गए, 420, 720, 700, जोड़ लीजिए 1645 इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लगा होगा, और आने वाले समय में मैं और भी टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं।